पिछले वीडियो में हमने जाना कि आयरन कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए भी और किशोरों के लिए भी, और अगर आयरन हमें प्रॉपर सही समय पर ना मिले जो उसकी डोज एक हफ्ते में एक टैबलेट की है, तो उसकी कमी की वजह से हमारा दिमाग भी कमज़ोर हो सकता है, हमारा शरीर का विकास भी अवरुद्ध हो सकता है, या फिर जितने हम लंबे होने चाहिए उतने लंबे हम नहीं हो पाएंगे, जो हमारे रटने और जो याद करने की जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये अच्छे से बताया गया है कि आयरन यानी जो शरीर में खून की कमी है उसके होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और ये गोली हमें कहाँ से मिलेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या ये गोली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है या किसी और के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि ये गोली सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कोई भी गर्भवती महिला इस टैबलेट को लेती है तो वो खुद भी स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ उसका जो होने वाला बच्चा है वो भी स्वस्थ रहेगा। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो मातृ मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है और सरकार का पूरा पूरा प्रयास है कि इसको कम किया जाए, यानी जितनी भी अधिकतर मौतें होती हैं वो वाइल डिलीवरी सिर्फ कमज़ोरी और खून की कमी की वजह से हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हम अपने किशोरों को यंग एज में ही जागरूक कर दें तो जीवन में आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनको किशोर या युवा अपने आप सॉल्व कर लेंगे और वो कंडीशन नहीं आएगी जैसे आज हमारे भारत में कहीं कहीं देखी जाती है। तो आज के इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम आपको आज एक क्लिपिंग दिखाएंगे और उस क्लिपिंग में आप क्लिपिंग को देखकर उसको समझेंगे और उस क्लिपिंग के अंदर ही बहुत सारे सवाल भी हैं और आंसर्स भी हैं। हम उसके बाद उस पर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो आप अब क्लिपिंग देखने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखें और उसके हर एक डायलॉग पर पैनी नज़र रखें, क्योंकि उस डायलॉग्स में ही क्वेश्चंस हैं और उन डायलॉग्स में ही आंसर्स भी हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए उस क्लिपिंग को देख लेते हैं। माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज दवाई लूं? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी, ये देखो। बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना। कैसी लगी क्लिप आपको? आई होप अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से आपने इसे इंजॉय भी किया होगा, समझा भी होगा। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस ये हैं कि जब वो लेडी जो प्रेग्नेंट है वो अपनी सास से क्या कहती है कि मुझे क्या कोई बीमारी है जो मैं रोज़ रोज़ ये गोली खाऊं? इससे ये पता चलता है इस क्वेश्चन से कि ये जो आयरन की टैबलेट है जो एक प्रेग्नेंट वूमेन लेती है ये कोई बीमारी की गोली नहीं है बल्कि माँ को स्वस्थ रखने के लिए ये गोली ली जाती है जिससे कि एक प्रेग्नेंट वूमेन स्वस्थ रहे और उसका शरीर मजबूत बने। तो इसके जवाब में जो उसकी सास रहती है इस क्लिपिंग में वो क्या जवाब देती है, वो बोलती है कि ये आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है, यानी अगर ये टैबलेट अगर रेगुलर बेसिस पर जैसे डॉक्टर ने बताया है तो उस तरीके से अगर वो महिला लेती है तो ये शरीर को मजबूत बनाती है और इससे माँ स्वस्थ रहेगी। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जब उसका हस्बैंड कहता है कि इसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी, लेकिन थैले में सामान जैसे ही ज़्यादा होता है तो उसमें से सामान गिर जाता है और थैला बेकार हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन सही समय पर आयरन की टैबलेट नहीं लेती है तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा और हो सकता है कि वो उसके लिए एक ख़तरनाक या फिर उसके लिए जानलेवा स्थिति को भी पैदा कर दे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में उसको आयरन की टैबलेट लेनी चाहिए।
और फिर उसकी माँ एक बात और कहती है कि इस गोली से खून की कमी नहीं होती और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर माँ ही कमज़ोर होगी शारीरिक रूप से तो फिर बच्चा भी शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है गर्भ में ही। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि एक माँ अगर गर्भवती है तो उसको उस समय पर आयरन की टैबलेट रेगुलर जैसे भी उसको बताया गया है उस तरीके से उसको लेनी चाहिए और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई दवाई है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो खाने में हमारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको ये टैबलेट पूरा करती है और जिससे कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। लास्ट में इसमें एक अहम बात कही गई है जो आप आगे भी वीडियोस में देखेंगे और वो ये है कि चांस क्यों लेना। चांस क्यों लेने का मतलब है कि हम रिस्क क्यों लें जहां पर ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है। तो अगर हमारे परिवार में भी कोई अगर ऐसा है कहीं पर भी या कहीं हम देखते हैं तो आज से हम उसे अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उस स्थिति में उन्हें आयरन की टैबलेट ज़रूर लेनी चाहिए। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये टैबलेट्स अगर हम लेना चाहें तो ये हमें कहाँ से मिलेंगी। तो सिंपल सा है इसके लिए तरीका कि आप जहाँ भी रहते हैं आपके नज़दीक जो भी आशा बहन या फिर ANM बहन जी रहती हैं आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और आपको पता होगा क्योंकि आशा और ANM आपके मोहल्लों में आती होंगी जो टीकाकरण भी करती हैं, बच्चों को इम्यूनाइजेशन भी करती हैं, आपने देखा होगा वो कभी कभी बच्चों को दवा पिलाने भी आती हैं, तो आप उनसे संपर्क करके ये टैबलेट ले सकते हैं। अगर उनके पास ये टैबलेट उपलब्ध नहीं है तो वो खुद बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, किस जगह पर पहुँचना है, किस जगह के अस्पताल में जाना है, तो वहाँ से आपको सारे रास्ते पता चल जाएंगे और आप इजीली इस टैबलेट को ले सकते हैं। बहुत सारे जो ट्रीटमेंट के कंसर्न में अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं उनको फॉलोअप की भी ज़रूरत होती है, तो आशा बहन के थ्रू आप फॉलोअप भी करवा सकते हैं, ANM बहन जी के भी थ्रू आप फॉलोअप करवा सकते हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करा सकते हैं, या फिर अगर इमीडिएट डॉक्टर की ज़रूरत है तो वहाँ से आपको वो मदद भी वहाँ मिल सकती है। तो इसलिए आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये टैबलेट जो हमने अभी बताई हैं और इस क्लिपिंग में आपने जो अच्छे से देखी तो ये बहुत बड़ा कोई इश्यू है, ये आपको जल्दी नहीं मिल पाएंगी। ये टैबलेट फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, ये आपको आसानी से मिल सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।